वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ना, निफ्टी बैंक है। अभी निफ्टी बैंक में ये वाला जो पोजीशन है, अगर आपके पास में यहाँ पे अगर सीई का पोजीशन होल्डिंग में है, तो कहीं ना कहीं पोजीशन एक रिस्क में हो सकता है। अब पोजीशन रिस्क में क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स है ना 51,300 का, यहाँ से काफ़ी बढ़िया सा ऑलरेडी अपर साइड का मोमेंटम आ चुका है। एंड ये जो लेवल है 560 का, ये काफ़ी बढ़िया सा रिजेक्शन लेवल हमारे पास में देखने मिल सकता है। तो ये रिजेक्शन लेवल से अगर मार्केट चाहे तो यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आ सकता है, मतलब कि जो पी ई साइड का एंट्री है वो कहीं ना कहीं इस लेवल्स के आसपास बन सकता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे, मोस्ट पॉसिबली चांसेस है कि यहाँ पे अगर सी होल्ड किया है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्की सा पोजीशन आपके लिए वो हो सकता है। अब कैसे रिस्की सा पोजीशन हो सकता है, और उसके साथ साथ कल क्या है, कल है मुहूर्त ट्रेडिंग। अब मुहूर्त ट्रेडिंग में होता क्या है ना दोस्तों, कि आपका जो मार्केट है वो मार्केट कौन सी लेवल्स पे ओपन होता है, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अब उस इंपॉर्टेंट मैटर करने के लिए, मतलब कि 5:45 के आसपास मेरे हिसाब से आपका ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे जो है, प्री ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और उसके बाद में 6 बजे के आसपास मेरे हिसाब से आपका जो मार्केट है, नॉर्मल मार्केट्स, वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब इस मार्केट के अंदर ट्रेड साइड आपको कहाँ पे प्लान करना चाहिए, मतलब आपको पीई साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए या फिर आपको सीई साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब कौन से लेवल पे एंट्री, देखिए अब यहाँ पे जो है काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अपना ऑलरेडी जनरेट हो चुका था। इसके बारे में लाइव मार्केट का जो अपडेट है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिया था हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। अब ये जो चैनल है दोस्तों, इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, टोटली फ्री है, आप यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो, टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है। अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें ना, वो हम सबसे पहले तो समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना दोस्तों, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, अगर ऊपर जाना चाहता है तो फिर जैसे मैंने बताया कि 560 एक इंपॉर्टेंट टारगेट लेवल्स रहेगा, मतलब जहाँ से पीई साइड का एंट्री मिलने वाला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पीई साइड के लिए नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपर साइड के लिए जाएंगे, यानी कि 51,845 के लिए। तो ये वाले लेवल्स पे हमें अगर एंट्री लेना है तो उसके लिए 51,625 एंड 51,610, ये दोनों लेवल्स हमारे लिए काफ़ी बढ़िया सी हो सकती है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ऊपर जाना चाहता है तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ऊपर से डाउन साइड का एंट्री प्लान करना है, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट और ऊपर की ओर जा सकता है 52,000 के पास में। एंड यहाँ पे आने के बाद में फिर मार्केट शायद रिजेक्शन वाला पोजिशन आपको यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख सकता है, यानी कि बनाता हुआ दिख सकता है। अब ये सब चीज़ें आपको लाइव मार्केट में कहाँ पर समझ में आएगी, अब ये सब चीज़ें समझने के लिए आपके पास में एनालिसिस भी होना चाहिए, ठीक है। अब एनालिसिस अगर आपके पास में है, लेकिन अगर आपके पास में लॉजिक नहीं है, तो फिर वापस एक रिस्की सा पोजीशन आपके लिए वापस निकल के आ सकता है। तो अगर आपके पास में एनालिसिस है, अगर आपको समझ में आता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, तो फिर आप वहाँ पे काफ़ी बढ़िया से ट्रेड प्लानिंग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो समझ में आता है, तो अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है या फिर मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट ओवरऑल क्या करना चाहता है, तो उस केस में कहीं ना कहीं वो रिस्की सा पोजीशन आपके लिए वहाँ पे डेफिनेटली बन जाता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि कल के लिए हमारे पास एक लेवल्स रहेगा, एंड लेवल्स के अकॉर्डिंगली एक अपर साइड का लेवल्स हमें नज़र आ रहा है। अब ये जो अपर साइड का लेवल्स था ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका था, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, मार्केट तेज़ी से ऊपर गया, और ऊपर का जो टारगेट है ना वो भी कहीं ना कहीं अचीव हो चुका था। अब वहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ से वापस रिजेक्शन लिया, वहाँ से वापस नीचे 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 आते गया। लेकिन स्टार्टिंग में मार्केट ने क्या किया, बहुत ज़बरदस्त ट्रैपिंग यहाँ पे जनरेट किया। अब ये वाला जो लेवल्स था ना, यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैप हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि मार्केट ऐसे नीचे आएगा, लेकिन मार्केट नीचे ना आते हुए मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर 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 चले गया, ओके। अब मार्केट अगर ऊपर चल गया तो उनके उस केस में उनका लॉस हो गया, और ये सब चीज़ें हमने नहीं किया, मतलब हमने एंट्री वहाँ पे किया ही नहीं, हमने एंट्री कहीं अलग जगह पे किया था, लगभग इस जगह के आसपास में, एंड यहाँ पे अपना प्रॉफिट जनरेट हो चुका था। तो डेफिनेट सी बात है दोस्तों, यहाँ पे रिस्क तो पोजीशन में होता ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ वेट कर सकते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया सी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। ये है हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल, जिसके अंदर आज हमने एक लेवल अपडेट किया था, उसने भी काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट दे दिया था। लगभग 530 के आसपास हमने कुछ लेवल अपडेट किया था, जिसने 900 वाला जो लेवल है ना वो यहाँ पे अचीव होता हुआ हमें दिख चुका था, मतलब 506,789, तो लगभग 400 पॉइंट के आसपास के प्रॉफिट से वो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जनरेट होते हुए दिख चुके थे। तो अगर आपने इस चैनल में नहीं ज्वाइन किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, ये टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है, एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो।